नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं साक्षी गुप्ता, ये आपको ले चलते हैं देश दुनिया की तमाम 25 खबरों पर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, कैबिनेट की डीए पर मंजूरी, 3% तक बड़ा महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला। इस बार राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों, निजीकरण और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। गोरखपुर सांसद रवि किशन के बड़े भाई का निधन, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस। बुरकेवाली ने किया बम अटैक, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ बंकर पर पेट्रोल बम फेंका और भाग गई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली वालों को इस गर्मी सताएगा बिजली संकट, केंद्र ने 728 मेगावाट बिजली हरियाणा डायवर्ट किया। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन का दावा, रूस का कीव से पीछे हटना, ध्यान भटकाने की साजिश। पाकिस्तान में बच्चे ने सपने में टीचर को ईश निंदा करते देखा, 3 महिला टीचर को बताया उन्होंने, उस टीचर को उतारा मौत के घाट। इसराइल में एक हफ्ते में तीसरा आतंकी हमला, फिलिस्तानी आतंकी ने सड़क पर बरसाई गोलियां, 5 इजरायली नागरिकों की जान गई। जम्मू कश्मीर फाइल को लेकर दिए गए बयान को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़, गेट पर लाल पेंट फेंका। वाटर मैनेजमेंट में यूपी बना नंबर 1, राष्ट्रपति से मिला सम्मान। नेवी युद्ध पोत INS त्रिकंद में लगी आग, सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं। शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की उठी मांग, NYC ने पास किया प्रस्ताव। कर्नाटक में हिंदुओं से हलाल मीट इस्तेमाल नहीं करने की अपील, भाजपा महासचिव ने इसे इकोनॉमिक जिहत बताया। केंद्र का पंजाब को झटका, रूरल डेवलपमेंट फंड के 1100 करोड़ रोके, कहा एक्ट में संशोधन करे सरकार। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए स्वयं भगवंत मान की सरकार ने नए निर्देश जारी किए, अब एक सीट पर एक कर्मचारी 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। यूपी में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक, 24 जिले में एग्जाम कैंसिल। बलिया में पेपर लीक के बाद एक्शन में योगी, आरोपियों को NSA लगाने का आदेश। लखनऊ से बाराबंकी तक चला योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाते हुए प्रशासन ने करोड़ों रुपए की जमीन खाली करवाई। 71 साल के दादाजी नागेश ने कॉलेज में लिया एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है सबसे बुजुर्ग छात्र। रीवा में एम्बुलेंस और शव वाहन न मिलने पर खाट पर लाना पड़ा मां का शव, 4 बेटियों, 80 साल की मां का शव अस्पताल से उठाकर गांव तक। भोपाल में शराब दुकानों का विरोध हुआ तेज, सड़क पर उतरे लोग बोले ठेका खुला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर विधानसभा में बोली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, योगी को बना दीजिए बिहार का CM। ONGC में निकली भर्ती, 65 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकते हैं, 30 मार्च तक आवेदन, 66,000 रुपए मिलेगी सैलरी। IPL में आज कोलकाता RCB आमने सामने, IPL में दोनों टीमें 29 बार हुई आमने सामने, कोलकाता ने 16 मैच में जीत हासिल की।